Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog from Sweet Home. आ गया था कल शाम को और मेरा जो व्लॉग था कुल्लू मनाली का वो आपको मिल गया है। मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग वहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने आप को कुछ टाइम दिया, थोड़ा बहुत शूट किया जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, बट मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। तो फिलहाल अभी घर में है और बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ मर्जी घूम लो जो, लेकिन जो नज़ारा आता है ना, हमारा डायलॉग पक्का है वो घर पे ही आता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, टूरिज्म का इतना बुरा हाल हो चुका है ना कुल्लू मनाली में, पूछो मत, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है क्योंकि डर रहा है मेरे को। मैं शिमला भी जाता हूँ, कुल्लू मनाली भी जाता हूँ, तो मेरे को सबसे बढ़िया शिमला लगता है क्योंकि शिमला में ना धूल मिट्टी नहीं है, कुल्लू मनाली में थोड़ी सी धूल मिट्टी है क्योंकि अभी जो हालत हो चुकी है ना वहाँ पर, बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है, जिसकी वजह से सारे बड़े बड़े पत्थर बह के ना रोड पर आ गए हैं, रोड टूट गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी क्या है कि टूरिज्म को तो मौका देना चाहिए वहाँ पे, मेरे कहने पे मत चलना कि हाँ पे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना कंपैरिजन बताया मेरे को क्या बढ़िया लगा, लेकिन हाँ कि वहाँ का जो लोगों का मेन काम है ना वो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए टूरिज्म को हमें कामयाब रखना है, जाना है वहाँ पे भी घूमने के लिए। तो घर में आज शांति शांति लग रही होगी क्योंकि मैं और मम्मी ही घर पे हैं और मैं फिलहाल ऑफिस निकल रहा हूँ, और कंचन गई हुई है अपने ऑफिस और अनबित भी गया हुआ स्कूल, वो 1:30-2 बजे तक आ जाएगा क्योंकि अभी वो सही हो गया है और स्कूल जाता है। कल मेरे को बता भी रहा था, मामू आप किधर चले गए, मैंने कहा तेरे को पता नहीं मैं किधर चला गया, ब्लॉग देखा करो मेरा, वहाँ सब अच्छा अच्छा करना। हम चल के उतर के पता नहीं क्या हो गया, मेरी लेग्स ना पेन कर रही है, ऐसे झुका नहीं जा रहा नीचे, ऐसे बहुत पेन कर रही है। बहुत दिनों बाद पंजाब की धूप खाने को मिली, नहीं तो हिमाचल की धूप खा रहे थे। मैं उधर काम खत्म करके इधर भी काम स्टार्ट कर दिया और काफी हद तक हो भी गया 2-3 दिन में। क्या हो गया जब हिमाचल से पंजाब आए, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, कमर से नीचे नीचे सारी लेग से, ऐसे झुका भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, शायद वेदर की वजह से तो नहीं हुआ होगा। 1-2 दिन में रेस्ट करेंगे, सही हो जाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। सुबह से मैं कुछ काम करने के लिए गया हुआ तो अभी जस्ट घर पहुंचा, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है इसलिए जल्दी जल्दी घर आ जाना चाहिए। और कंचन अभी तक नहीं है क्योंकि टाइम अभी 6:30 ही हुए। बिल्कुल क्या चाहिए? पटाखे। कौन से, कितने चाहिए? 1-2-3। कितने चाहिए? 1-2। ठंडे चाहिए गर्म चाहिए? गर्म। और जा रहे मम्मी, मम्मी से हम बुला नहीं रहे क्योंकि मम्मी के साथ हमारी हो रखी है लड़ाई कल की, क्योंकि कल मम्मी ने मेरे को डांटा इसलिए। अच्छा कल तुसी की बोले सी मैं, मैं उसे अंदर बैठा हुआ की बोले मैंने, ठीक नहीं किदा बोले तुसी मैं, तो आ तो तुसी सो, मैं मम्मी का कोई ना वीडियो देख रहे थे गाइस, मैं नहीं देख रही थी, मैंने बोला कि कोई वीडियो नहीं देखनी बस मेरी वीडियो देखा करो, मम्मी किसी और का वीडियो देख रहे, मैं गाइस देखता ही नहीं किसी की वीडियो, ठीक है मम्मी उनके वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्यों, मैंने कहा क्यों देख रहे हो, मैंने बोला आप सवाल लेते हो मेरे को, मम्मी ने कुछ ऐसा बोला, फिर मैंने कहा आप बुलाओ मत मेरे को, तो हम 2 दिन से नाराज है, थोड़ा सा वीडियो के लिए बुलाए, जब दिल खुश होंगे फिर बुलाएंगे। और फिलहाल अनवित को हम पटाखे देंगे, अनवित कौन से चाहिए पटाखे, 1-2 या 3 चाहिए? 3। ठंडे चाहिए या गर्म चाहिए? गर्म। गर्म चाहिए, आ जाओ फिर गाइस, इसको पटाखे चाहिए गर्म, गर्म है ना, आ जा फिर, आ जा आ जा, चाहिए पटाखे इधर चाहिए या इधर चाहिए? इधर। इधर चाहिए, तो फिर तेरे को ऐसे आना पड़ेगा, रुक यहाँ पे, इनको बैठा दूँ सभी को, आप गाइस यहाँ पे बैठिए, हम अनवित को क्या देंगे, पटाखे। पटाखे किधर चाहिए, इधर चाहिए इधर चाहिए? इधर। इधर चाहिए, गर्म कर लूँ घर में, तब चला था पटाखे है बेटा, इससे ना धुआं होता है ना पोल्यूशन होता है ना किसी तरह का गंद डलता है, अभी 3 चाहिए ना, 2-3 हो गए, ये पटाखे नहीं थे, ये क्या था, पटाखे और टाके। अच्छा टाके वो है गाइस, पीछे से मैं गया हुआ था इसको, ये बोले छुटपुट चाहिए, छुटपुट पता नहीं कितना चलाता है, ये बच्चों के लिए ठीक है ऐसे फेंको चल जाता है दूर फेंकता है, लेकिन इसने इतना कलर डाला, इतना कलर डाला इसने, वो उस वगैरह रंग दी है, मैं इधर देखना, हाँ चलो चलाए फोटो में देखना है, ठीक है फोटो में देखना है ट्राके। तो गाइस ये देखिए अपना पटाखे चला चला के इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी ना बेटा चलाते हैं, यहाँ चलाते हैं कभी, बाहर चलाओ बाहर चलो, यहाँ पे बैठ के ना बाहर को फेंको। और गाइस एक काम और हो गया हमारे घर में, आज पानी नहीं है जिसकी वजह से ना पानी मम्मी ने खुद ही ढोया, खींचो क्योंकि
अपनी जरूरत महसूस होनी चाहिए था सभी को कि क्या वैल्यू होती है। कोई नहीं, दो दिन रह के तो देखो मेरे बिना, आपको जरूरत नहीं थी ना मेरी। ऐसा कोई बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव है, हो जाता है ना, प्यार भी ज्यादा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए ताकि प्यार और बढ़ता है, एक दूसरे को गलती रियलाइज होती है किसने क्या किया। यही तो होता है घर, घर में बहुत सी बातें होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो माँ बेटा हो, माँ बेटी हो, सास बहू हो, ननान बहू हो, बेटी माँ हो, हर किसी के घर में होती है, लेकिन एक दो दिन के लिए होता है, उसके बाद फिर से हो जाता है, दो दिन चुप रहेंगे कोई बात नहीं, बट ऐसे नहीं जिस हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं, जल्दी ही हम खुश हो जाएंगे, है ना। क्या बना रहे हो आज, फिर यही बता दो ना, बुलाओ वीडियो के लिए बोल लो। चलो ठीक है गाइस, न्यूट्री किस चैनल में दिखानी है, आपने पीछे से शूट किया था? पता नहीं किया था। आपने शॉपिंग भी की, कहते हैं पीछे से बहुत। हाँ, बहुत। आपने सूट ले लिए? ले लिए। कितने? तीन। फिर कहाँ है वो दिखाने है मैंने लोगों को? आपने वीडियो बनाया था खरीदते हुए? पिछले इतने दिन से मैं कहाँ था, तूने पूछा मामू कहाँ गए थे? पूछा? नानी बोलती घूमने गए थे मामू। कौन बोलती? नानी। नानी बोलती? आज आप स्कूल गए? फिर नहीं आए अभी तक नहीं आए मामू, फिर मैं तो घूमने गई मामू। कट्टी है मेरी आंख, ठीक है, ये कर लो। तेरी कट्टी मेरी मामू कट्टी आपके अब्बा है, मेरी कट्टी है मम्मी कह रही मेरी अब्बा है। चलिए गाइस, ऐसा था हमारा छोटा सा नाराजगी व्लॉग, मम्मी के साथ थोड़ा सा हुआ, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे ना और हो जाएगा गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है, और मनमुटाव हो जाता है, हो गई थी मेरी छोटी सी बात, हो गई थी मम्मी के साथ, कभी कभार हो जाता है ना। चल, मम्मी को भी गुस्सा आया, मेरे को भी गुस्सा है, मैं सुबह से बुलाया नहीं, खाना खा लिया मैंने, खाने से कोई लाभ ही नहीं है, ब्लॉग के लिए बुलाया, अब दोबारा नहीं बुलाना, ठीक है, जब जरूरत होगी तभी बुलाना, ठीक है, क्योंकि हमारे जब ब्लॉग स्क्रिप्टेड है, हाँ ये बात तो है, जितना कम बोलो उतनी इज्जत, इसलिए आप कम बोलो, आप अपनी इज्जत रखो अपने पास, मैं कम बोलूंगा मैं अपनी इज्जत रखूंगा अपने पास। और अनवित को चलाने हैं पटाखे, मैंने दिए तो है तेरे को गर्म पटाखे, दिए तो है पटाखे, दिए नहीं, बहुत शरीफ बन जाता है। एक जब्बा ठेकता, ठेक ना बोलते है बेटा, आधे अधूरे वर्ड बोलता है तू, ऐसे क्यों बोलता है सोनू? सोनू डब्बा, ये वर्ड मैंने बहुत सुना है सोनू। चलो ऐसे चलाते नहीं चल रहे, पहले 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 डालो, अच्छा पहले ट्रक में डालें, ट्रैक्टर में, ये ना गाइस ऐसे पटाखे चलाते हैं, पहले ना ट्रैक्टर में डाल लेते हैं, तेरी जी इनमें जाना भी है, इनमें जाना भी है, जाना भी है, जैसे भी शाला पा देता है। अच्छा वापस आ गया ट्रैक्टर, टक 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 टक। सुबह तो आया था पानी, नहीं सुबह पानी आया था, थोड़ा आया पानी, ऊपर ऊपर चढ़े हम बाहर उतर गए। अच्छा गाइस, पानी की दिक्कत आ रही है सर्दियों में, पता नहीं क्यों क्या हो गया, एक्चुअली मोटर वगैरह खराब हो जाती है ना यहाँ पे, तो फिर जिसकी वजह से एक दो दिन का ब्रेक लग गया ना पानी का, तो टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा, जिसकी वजह से वो दो दिन की बजाय पाँच दिन का डिफरेंस आ जाता है। फिलहाल हम वाली देखो रेफ्रिजरेटर में आपको दिखाया, बहुत सी कैंडल रखी हुई है मैंने, ये नहीं मम्मी, ये कैंडल कहाँ से आई, ये तो बाहर वाली है, ये कैंडल। अच्छा हमारे यहाँ पे भैया ये बाहर वाली है, ये मैं तो देखी नहीं, ये भी और भी है सामान है ना, हाँ और भैया हमारे यहाँ पे पड़ोसी है ना, तो वो भैया बाहर से आए हैं, तो उन्होंने भेजी है हमें, हमें बच्चों की तरह समझते हैं, हमें भेज देते हैं खाने के लिए, हमने सोचते हैं कि हम तो बड़े बड़े हो गए हैं, तो कहाँ गई वो वाली कैंडिस, जो स्टोन वाली कैंडिस थी, कहाँ गई मम्मी कैंडिस, ये नया है मेरा, और भी पार्सल है, यही है, दो मेरे को कैंडिस, थोड़ी देर के लिए बुला लो मेरे को, और ज्यादा बात नहीं करती, थोड़ी देर वास्ते, बस इतना भी और भी था, ये तो सुबह कब दिया। अच्छा भाई, हाँ चलो जो भी है, ये तो प्यार होता है सभी में, कि प्यार है तभी दिया गाइस, एक स्निकर चॉकलेट भी निकली और बहुत सी कैंडीज थी जो कि खा भी ली सुबह मैंने थोड़ी सी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये कहाँ से आई है, और एक ये भी देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडीज है गाइस, अब समझ नहीं आ रहा कौन सी खाई कौन सी नहीं, और स्पेशली मेरे को ये स्टोन वाली कैंडीज बहुत अच्छी लगी, देखने में तो ये स्टोन लगते हैं बट ये कैंडीज है, ऐसे देखिए एक ये है बड़ी बड़ी कैंडीज, और ये वाली ये देखने में स्टोन लगते हैं बट है कैंडीज। सुबह मैं डर रहा था कहीं भट्टे तो नहीं, मैं मुंह में डाल, मैंने चॉकलेट है, मम्मी आपने खाई
बुला लिया मैं यार। आपने खाई क्यों? खाई मुंह इधर, मैं क्या पता नहीं खा ली होनी तुसी। ये तो बहुत बड़ी कैंडी है, ऐसा करना मम्मी थोड़ी सी ना दो चार कैंडी ऐसे मार के रखना, हम मिलेंगे, मैं मिलूंगा सिद्धार्थ से ना, तो उसको भी ले जाऊंगा ये वाली, दो चार दिन वो तो ये लेके जाएंगे, बाकी मैं अपने भी लेके जाऊंगा जैसे लेके जाता हूँ। अच्छे तो टॉफी खाते, तू क्यों नहीं खा रहा? पत्थर है ये कोई? चबाओ ना इसे, चबा के देखो, चॉकलेट है ये, चबा के देखो अच्छी है, चबाओ, चबा के देखो, चाटनी थोड़ी ना यार, चबा के देखो, एक खा के देखो, एक देखो खा के, डर रहा है, पत्थर है। वैसे तो हम बुला नहीं रहे, ये बता दो कि हाथ सही हो गया या नहीं? ठीक हो गया, उसको फिर खाने लगा था लेकिन कहाँ से कहाँ चला गया मैं। और गाइस मेरे को ना ये वाली टॉफी नहीं मैंने खाई, बहुत सारे लोगों को मैंने ना पिछले ब्लॉग में दिखाया था अपना रेफ्रिजरेटर ना, ये वाली टॉफी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सब कहते हैं कि हम भी अपने ना रेफ्रिजरेटर में ऐसी टॉफियाँ रखते हैं, क्योंकि ना कभी कभी मन कर जाता है रात के टाइम खाने को, तो मेरे को स्पेशली ये मैंगो वाइट वाली पार्ले की ना टॉफी बहुत अच्छी। फिलहाल बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय, और मम्मी तो मेरे को पूछो तुम चाय पियोगे, मैं भी चुप रहा, मैंने कहा मर्जी है बनाने ही बना लो, बनाई बना ली जाए नहीं बड़े, चलो पी लेते हैं, आपने बनाई है ना, वैसे नाराज हूँ मैं कट्टी, तो अपने आप ही बोली जंदा नाराज है, नाराज सानू तो पता नहीं केड़ी गल नाराज है, पता ही है तन्नू, सानू कोई तो पता नहीं है, तन्नू सब पता है, आप पता रात क्या बोले मैंने, तुसी क्या बोलया, बोलदे क्या बोलया है, क्या बोले दसो गाइस, हमारी अपनी पर्सनल बात, कंचन भी आ चुकी है, और कंचन को मैंने बोला था बनाया था आपने, मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे टेढ़े मेढ़े, क्योंकि ना इसको सिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करना है ना, जब मैं बताऊं, जब ऐसे है ना कैमरा ऐसे करना है, और इसका कैसे पता चलता है कि ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग ऐसे होती है, मतलब कि यहाँ से पता चल जाता है ना, ये नंबरिंग आ रही है ना ऐसे, तो ऐसे होती है, ठीक है, तुमने सारी वर्टिकल में ऐसे की हुई है। चलिए गाइस जैसे तैसे करके हम आपको दिखाएंगे, और फिलहाल अभी शादी में भी जाना है, चाय भी पीनी है, और इस वीडियो में यही एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। और गाइस मम्मी के साथ जो मेरी लड़ाई हुई ना, कुछ ज़्यादा नहीं, बस छोटी सी हमारी अपनी पर्सनल बात है, हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा सीरियस मत लेना, और बुला रहे हैं जल्दी बुला लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, नोक झोंक चली रहती है, और बुला भी रहे हैं, वैसे लड़ाई लगी कहाँ आपको, लगी, बुला भी रहे हैं, लड़ाई लड़ाई कर भी रहे हैं, है ना, तो फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।